एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिन टिन को देखकर शॉक होती है। इसके बाद लिन टिन को डॉक्टर को दिखाती है। टिन को जब तक होश नहीं आता, लिन उसकी अच्छे से केयर करती है। टिन को जब होश आता है, वो लिन को देखकर थोड़ा सा शॉक होता है। लिन टिन से पूछती है उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर टिन कहता है क्योंकि तुमको परेशान करने में मुझको मजा आता है। पर मन ही मन लिन को देखकर टिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद हम मैक को देखते हैं जो लिन से मिलने आता है। वो लिन से लंच के लिए पूछता है। लिन कहती है वो बूनटोन के साथ लंच पर जा रही है। यहाँ पर मैक लिन से कहता है वो उसको लाइक करता है, जिस पर लिन मैक को थप्पड़ मारती है। इसके बाद लिन टिन को कॉल करती है एंड टिन से कहती है क्या वो दोनों कहीं बाहर घूमने चले। टिन हाँ में जवाब देता है। लिन बूनटोन के साथ होटल से निकल रही थी, तभी सिरोज वहाँ पर आता है। सिरोज लिन से सॉरी बोलता है, पर लिन सिरोज की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मैक भी वहाँ पर आ जाता है। लिन बूनटोन के साथ वहाँ से निकल जाती है। आधे रास्ते जाकर लिन बूनटोन से कहती है उसको कुछ जरूरी काम है एंड कार से उतर जाती है। टिन लिन को पिक कर लेता है। टिन की कार बहुत ही ज्यादा गंदी थी, इसीलिए वो लोग पहले कार वॉश कराने जाते हैं, जहां पर लिन खुद से ही कार वॉश करती है एंड टिन उसकी हेल्प करता है। इसके बाद ये दोनों बीच पर आ जाते हैं एंड पास के ही रिजॉर्ट में एक रूम बुक कराते हैं एंड ये दोनों यहां पर फुल एंजॉय करते हैं। हम इन दोनों को नाइट में स्विमिंग करते देखते हैं। लिन टिन की कंपनी फुल एंजॉय कर रही थी, तभी वहां पर टैनिया एंड उसकी फ्रेंड आती है। टैनिया एंड उसकी चमचियां लिन की इंसल्ट करने लगती है। वो टिन से कहती है लिन का काम ही है अमीर लड़कों को फंसाना और तुम उसका नेक्स्ट टारगेट हो। वो तीनों लिन एंड टिन की फोटोज क्लिक करने लगती हैं। इस पर टिन उन तीनों का फोन पानी में फेंक देता है। दूसरी तरफ सिरोज फुल देवदास मूड में था। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, जिससे उसकी हेल्थ खराब हो जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। टिन क्लॉथ शॉप जाता है एंड लिन के लिए कुछ ड्रेसेस बाय करता है एंड वो ड्रेसेस सेल्स गर्ल से रिजॉर्ट पहुँचाने कहता है। वहाँ पर टैनिया एंड उसकी फ्रेंड भी आ जाती है। वो सेल्स गर्ल से कहती है लिन उनकी फ्रेंड है, वो लिन के कपड़े उस तक पहुंचा देंगी। टैनिया एंड उसकी फ्रेंड लिन के रूम में आ जाती हैं। वो तीनों मिलकर पहले तो लिन की बढ़िया वाली कुटाई करती हैं और फिर लिन के कपड़े जला देती हैं। दूसरी तरफ टिन हॉस्पिटल जाता है। टिन को देखकर सिरोज एंड रेज घबरा जाते हैं। टिन सिरोज से पूछता है उसने नूट के साथ क्या किया, जिस पर रेज सारा ब्लेम लिन के ऊपर डालते हुए कहती है उस दिन लिन उनके घर पर आई थी, लिन ने सिरोज को सिड्यूस किया एंड सिरोज को किस किया, तभी वहाँ पर नूट आ गई और ये देखकर नूट बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई थी। टिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मैक एंड बूनटोन लिन के लिए परेशान थे क्योंकि लिन होटल वापस नहीं आई थी। वो दोनों रेज से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं कि शायद रेज को पता हो कि लिन कहाँ पर है, जहाँ उनको पता चलता है कि टिन भी बैंकॉक में ही है। टिन वापस रिजॉर्ट आता है। लिन रूम में बेहोश पड़ी थी। लिन को देखकर टिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन को जब होश आता है तो टिन लिन पर गुस्से से भड़क जाता है। वो लिन की इंसल्ट करते हुए कहता है वो बिल्कुल भी प्योर नहीं है, जिस पर लिन टिन को थप्पड़ मारती है और टिन लिन को किस करता है। दूसरी तरफ मैक प्रोंग से टिन को कॉल करने कहता है, क्योंकि मैक को शक था कि कहीं लिन टिन के साथ तो नहीं है। प्रोंग कॉल करती है पर टिन कॉल रिसीव नहीं करता। दूसरी तरफ टिन एंड लिन का झगड़ा होता है। टिन लिन को कैरेक्टर लेस बोलता है और ये भी कहता है उसने बहुत सारे लोगों की जान ली है, जिस पर लिन कहती है वो लोग खुद से ही मरे हैं और वो अपनी मौत के खुद जिम्मेदार हैं। ये सुनकर टिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो लिन के साथ जबरदस्ती करता है। लिन टिन से कहती है वो उससे नफरत करती है, जिस पर टिन कहता है मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ एंड वहाँ से जाने लगता है। लिन एक ऑब्जेक्ट उठाकर टिन के सर पर मारती है, जिससे टिन को बहुत ही ज्यादा पेन होता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। लिन बहुत ज्यादा रोती है।
लिन अपने लिए वैन बुक कराती है वापस होटल जाने के लिए। वो वॉशरूम में आती है जहाँ पर टिन बेहोश पड़ा था और उसके सर से ब्लीडिंग हो रही थी। लिन डॉक्टर को बुलाती है। टिन को बहुत ही ज्यादा फीवर था। लिन अपना जाना कैंसिल कर देती है और टिन की अच्छे से केयर करती है। 3 डेज बाद टिन को जब होश आता है, लिन वहाँ पर नहीं थी। वहाँ पर डॉक्टर का कार्ड और मेडिसिन रखे हुए थे। टिन लिन के रूम में आता है, लिन वहाँ पर भी नहीं थी। तभी टिन की नज़र बेडशीट पर पड़ती है जिस पर ब्लड लगा हुआ था, जिससे टिन समझ जाता है कि लिन वर्जिन थी। जिसके बाद टिन को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। वो जल्दी से रिसेप्शन पर जाता है और लिन के बारे में पता करता है। टिन को पता चलता है कि लिन अभी अभी वहाँ से निकली है। टिन जल्दी से बाहर जाता है। लिन वैन में बैठकर जा रही थी। टिन उसको रोकने का ट्राई करता है पर लिन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ प्रॉन्ग को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये बात मैक को बताने का ट्राई करती है पर मैक उसकी बात ही नहीं सुनता। लिन होटल वापस आ जाती है। मैक लिन से मिलता है और लिन से पूछता है कि वो कहाँ पर थी, पर लिन उसको कुछ भी नहीं बताती। लिन बुंटोन के साथ डिनर करती है। यहाँ पर टैनिया एंड उसकी फ्रेंड भी थी। वो लिन के फोटोज क्लिक करने लगती है और टिन को सेंड करती है। तभी मैक आकर टैनिया का फोन लेता है एंड उसका सिम कार्ड पानी में डाल देता है। अगले दिन मैक लिन के साथ लंच के लिए बाहर जाता है, जहां पर वो लिन के काफी ज्यादा क्लोज आने का ट्राई करता है, जिस पर लिन मैक से कहती है वो उसकी बॉस है और मैक को अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। सिरोज एक बार फिर से लिन से मिलने के लिए होटल आता है एंड वो लिन को बहुत ही ज्यादा इरिटेट करता है। लिन वहाँ से चली जाती है एंड मैक सिरोज की अच्छे वाली खातिरदारी कर उसको वहाँ से भगा देता है। लिन को एलिवेटर में टिन मिलता है। लिन वहाँ से जाने लगती है पर टिन लिन को एलिवेटर में खींच लेता है। इन दोनों के बीच कोई भी बात नहीं होती। लिन अपने रूम में आ जाती है। लिन से मिलने के लिए मैक आता है। मैक भी ये बात जानता था कि टिन उनके होटल में ही रुका हुआ है। वो लिन से कहता है टिन का यहाँ पर रुकना उसको कुछ अजीब लग रहा है। लिन मैक को वहाँ से जाने को कहती है पर मैक वहाँ से नहीं जाता और लिन के साथ बदतमीजी करता है। पर लिन मैक के काबू में कहाँ आने वाली थी। वो मैक को जोरदार किक मारती है और वहाँ से भगा देती है। इन सब से लिन बहुत ही ज्यादा अपसेट हो चुकी थी। तभी उसका डोर नॉक होता है। लिन दरवाजा खोलती है तो उसके सामने टिन खड़ा हुआ था। टिन लिन के रूम में आता है। टिन लिन से सॉरी बोलता है और बहुत ही ज्यादा रोती है। वो टिन से कहती है वो चाहकर भी उससे नफरत नहीं कर सकती, जिस पर टिन लिन को थैंक्स बोलता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लिन उससे नफरत नहीं करती। यहाँ पर लिन टिन से अपना लव भी कन्फेस करती है। अगली सुबह लिन मैक से मिलती है। मैक लिन से माफी मांगता है। इसके बाद हम प्रॉन्ग एंड टिन को एक साथ देखते हैं। टिन को भी पता चल चुका था कि प्रॉन्ग प्रेग्नेंट है। प्रॉन्ग एंड टिन रेस्ट्रो जाते हैं। सेम रेस्ट्रो में लिन एंड मैक भी आए हुए थे। यहाँ पर मैक एंड टिन के बीच लड़ाई होती है। मैक को भी पता चल जाता है कि प्रॉन्ग प्रेग्नेंट है। इसके बाद हम एक पार्टी देखते हैं जो कि लिन ने ऑर्गेनाइज की थी। यहाँ पर टिन लिन को इग्नोर करता है क्योंकि मैक लिन के आगे पीछे दौड़ रहा था, जो कि टिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। टिन एंड लिन का झगड़ा होता है। तभी लिन के दरवाजे पर मैक आता है। लिन मैक को वहाँ से जाने को कहती है पर मैक नहीं जाता। टिन मास्क लगाकर रूम से बाहर आता है एंड मैक को एक जोरदार पंच मारता है। इससे मैक बेहोश हो जाता है। इसके बाद फिर से लिन एंड टिन का झगड़ा होता है। टिन एक बार फिर से लिन के साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद लिन काफी ज्यादा रोती है पर टिन जब लिन से माफी मांगता है तो वो टिन को माफ भी कर देती है। इसके बाद टिन एंड लिन एक दूसरे के साथ काफी सारा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट नाइट लिन एक रोमांटिक डिनर का अरेंजमेंट करती है। वो टिन का काफी टाइम तक वेट करती है पर टिन नहीं आता। वो टिन को कॉल करती है पर टिन कॉल भी रिसीव नहीं करता बिकॉज वो अपने घर पर आ चुका था। जिसके बाद लिन टिन का रूम चेक करने आती है तो उसको पता चलता है कि टिन ने तो चेकआउट कर लिया, जिससे लिन को बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है एंड वो बहुत ज्यादा रोती है। लिन की हेल्थ भी खराब हो जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है, जहाँ पर प्रॉन्ग लिन का काफी अच्छे से ख्याल रखती है। प्रॉन्ग के पास टिन की कॉल आती है तो लिन को पता चल जाता है कि टिन अपने घर पर चला गया। जिसके बाद लिन भी प्रॉन्ग के साथ बैंकॉक से चर्मिंग
आ जाती है। टाइमिंग आप लिन को पता चलता है कि टिन मेडिटेशन के लिए आश्रम गया हुआ है। लिन प्रॉन्ग से कहती है काफी दिनों से उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब है, वो भी मेडिटेशन के लिए आश्रम जाना चाहती है। प्रॉन्ग लिन को उसी आश्रम में लेकर जाती है जहाँ पर टिन था। यहाँ पर लिन प्रॉन्ग की आईडी से रजिस्टर कराती है। लिन नाइट में टिन को ढूंढती है, टिन उसको मिल भी जाता है, पर लिन एलिफेंट की आवाज से डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। टिन और आश्रम के अदर मेंबर्स लिन को ढूंढते हैं। टिन को बताया जाता है कि प्रॉन्ग नाम की लड़की ने आज ही रजिस्टर किया है। टिन को लगता है कि यहाँ पर प्रॉन्ग आई है और वो प्रॉन्ग के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन उन सभी को मिल जाती है। टिन लिन को देखकर शॉक होता है एंड लिन को इग्नोर करके अपने रूम में आ जाता है, पर लिन को तो टिन से बात करनी थी, इसीलिए वो भी टिन के पीछे पीछे वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर टिन एंड लिन का एक बार फिर से झगड़ा होता है। टिन लिन से कहता है उसको कभी लिन से प्यार था ही नहीं एंड लिन को वहाँ से चले जाने को कहता है। तभी टिन को जॉ नजर आती है जो उन्हीं की तरफ आ रही थी। टिन जल्दी से लिन को अपने रूम में छिपा देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।